हे दोस्तों, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल सफ़र। मैं विजय स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे क्या लोगों का काम चल रहा है। कोई लोग गन्ना बेच रहे हैं, बैटरी रिक्शा वाले बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, कई लोग आइसक्रीम बेच रहे हैं और सबका जो है भला हो रहा है। लेकिन जो हड़ताल से बैठा है 23 दिन से, उसका भला नहीं हो रहा है। पता नहीं उसका भला कब होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि भाई बहुत जल्दी हो जाएगा। आज जो है भाई, मेरे पीछे आप ये देख रहे हो, ये नीला सा शेड लगा हुआ है, ये सिटी पार्क का सेकंड फेज़ है। और आज ही जो है मुख्यमंत्री साहब इसका उद्घाटन करने जो है यहाँ आने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल आएंगे या नहीं ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह न्यूज़पेपर में या न्यूज़ों में ये आ रहा था कि भाई राहुल गांधी जी आज माउंट आबू के दौरे पे है और अशोक गहलोत जी उनके साथ रहेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो चलते हैं अपन पांडाल में ही। आज 23 दिन है हड़ताल को, हो गए हैं पूरे। आज शाम का एक प्रोग्राम भी रखा हुआ है इन्होंने यहाँ इस पांडाल से लेकर के और शिप्रापत थाने तक, ठीक है। कैंडल मार्च निकाला जाएगा शाम को 6 बजे से, तो भाई मैं भी वो ज्वाइन करूँगा, ठीक है। और दिन में आज क्या होता है क्या नहीं वो दिखाते हैं आपको की होगी। अभी चलते हैं, बैठते हैं इनके बीच में और जो होता है दिन में वो दिखाते हैं आपको। बलगानंद महाराज की राष्ट्र सर्वोपरि। सभी से निवेदन है, राष्ट्रगान के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। सावधान होंगे, सावधान। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब जब बाबू बोला है, जब जब बाबू बोला है, सचिवालय हो या राजस्थान, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको लेके जाना। वंदे वंदे बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। आपकी सीधी बात आपके अंतिम बार मुखिया से होगी, सिर्फ मुखिया से, राजस्थान के मुखिया से। कई बहने हमारी प्रतापगढ़ से लेके, बाड़मेर से लेके, धौलपुर से लेके बच्चों को लेके भी आई है। हमारे बीच में विराजमान भी है, बहुत से भाई भी हैं, विकलांग भी हैं, बीमार भी हैं, लेकिन आप लोगों को मैं हिम्मत की दात देता हूँ दोस्तों के ऐसे वीर हमारे वर्ग में है। और जल्दी वो सुनहरा पल आपके बीच में होगा। लोग सरकार के नॉर्मेंटी बैठे, आपको पता भी नहीं है किसी को। सरकार के कई लोग बैठे दोस्तों, कई लोग पुलिसकर्मी लोग हैं सादा वर्दी में। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, सही। वो पल पल की रिपोर्ट जा रही है सरकार के पास में, पल पल की। आने वाला समय ताश खेलने का नहीं है, आने वाला समय सजगता का है। हर वक्ता को सुनिए, अगर आप वक्ता को यहाँ से नहीं सुन सकते तो आपको बीच में उससे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। सारे लोगों के दिमाग में एक बात आ रही है कि सरकार हमको पूछ नहीं रही साथियों, सरकार के साथ हमारी वार्ता नहीं चल रही साथियों। साथियों मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बहुत सावधानी पूर्वक सुनना, कि पिछले आठ दिन से सरकार के साथ हमारी वार्ता कोई नीचे के स्तर पर नहीं चल रही है साथियों। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं, उस स्टेज पर चल रही है जहां से सिर्फ आदेश निकलते हैं। उस स्टेज पे पहले नंबर पे नाम मुख्यमंत्री जी का आता है, दूसरे नंबर पे नाम आता है एसीएस फाइनेंस साहब का। पिछले 8 दिन से साथियों उस स्तर पर आपकी वार्ता चल रही है साथियों। आपको इस पर यकीन करना होगा, क्योंकि हमारा जो भाषण है वो हमारी ईमानदारी का प्रतीक है। इसके अलावा हम आपको कुछ साबित करना नहीं चाहते साथी। बोल बाबू हल्ला बोल, जननायक मुख्यमंत्री जी आप स्वतः संज्ञान लीजिए। आप बहुत बुद्धिमान सीएम हैं, 3 बार सीएम रहे हैं, युवा अवस्था से आपने तगड़ी की संज्ञान आपको ही लेना होगा। अधिकारी आपके कहने में है, हम किसी की नहीं सुनेंगे, सिर्फ आप संज्ञान लेंगे। आपसे कम पर समझौता नहीं, और बिना
जज्बा, आपका ये जुनून कायम रहना चाहिए साथियों। साथियों बहुत गंभीरता से सोचना, बहुत गंभीरता से सोचना, चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। जहाँ पे क्या नाम से साइन करने वहाँ तो पड़ी है फाइल, और जहाँ पानी पीते है वहाँ पड़ा अटेंडेंस रजिस्टर। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि चीजें रखनी कहाँ है, करना क्या है, कैसे करना है, बस काम चला रहे हैं, घुड़ा रहे। अरे कितने दिन घुड़ा लोगे? अरे तो हर एक बाबू दूल्हो है, हर एक बाबू ही दुल्हन है, अरे तो खुद आपे खुद को ब्याह मानना है, अरे तो मान के जस ही भया हो। मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार। आज 23वां दिन है अपना माँ पड़ाव का। मैं आज बताना चाहता हूँ आपको, आप सोच रहे कि सरकार ने बुलाया नहीं, वो नहीं। कल मुख्यमंत्री जी काफी नजदीक उन्होंने मुझे बुलाया फोन करके, और आपके मांग पत्र पे बैठ के काफी चर्चा हुई साथियों, और उन्होंने विश्वास दिलाया मुझे कि मैं जल्दी मुख्यमंत्री जी से बात करके आपका एक दो दिन में सारा निपटारा करवा दूंगा। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां साथियों। लेकिन मैंने भी उन्हें कह दी, ये बाबू तंबू जब भी उखाड़ेगा जब तक आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा जब तक नहीं उखाड़ेगा, क्योंकि 30 साल का सूखा है ना, बहुत इंतजार करवा रहा है। जिस दिन मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था उस दिन मंत्री जी आए थे ना, उनका सुबह मैसेज आया कि मैं जल्दी मुख्यमंत्री जी से बात करके आपकी समस्या का जल्दी समाधान करा रहा हूँ। राज सिंह जी आप चिंता मत करो। साथ ही एक बार महेश जोशी जी के लिए भी जोरदार तालियां। और धर्मेंद्र जी ने मुख्यमंत्री जी से जब अजमेर से जयपुर आ रहे थे तब उन्होंने उनसे मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, तो उनको कहा बताए मुख्यमंत्री जी ने कि भाई इनका क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सरकार सारे बिल्कुल प्रयास कर रही है भाई आप लोगों के लिए क्या बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है। आपने सरकार के मुखिया को खून से क्या तोला कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया सर, पूरे भारत में एक बहुत बड़ा मैसेज गया सर। एक बार हमारे चेन्नई साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजा दो सर। मुख्यमंत्री जिंदाबाद। सम्मानित मंच और मेरे क्रांतिकारी साथियों, 2013 के बाद में पहली बार इतनी जबरदस्त भीड़ देख करके मन बहुत खुश है, बहुत प्रफुल्लित है। जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाओगे, 100% लेकर जाओगे। सासों की माला पे सिमरू मैं शिव का नाम, अपनी मर्जी मैं जानूं और भी की मर्जी राम, अपनी मर्जी मैं जानूं और भी की मर्जी राम। सासों की माला पे सिमरू मैं पथ पे चला आ रहा है।
आगे पुरुष कोई भी नहीं आएंगे अभी एक बार एक एक बार में धक्का मुक्की आराम हो आराम हो अरे आराम से आराम से धक्का मुक्की नहीं करे एक एक आवाज दो अभी तो मोमबत्ती जला रही है तो भाई देखा आपने आज का प्रोग्राम, आज का 23वां दिन कैसा रहा। पहले तो प्रोग्राम ये था कि भाई उनका कैंडल मार्च जो था ना वो निकाल करके लेकर के जाने वाले थे शिप्रापत थाने तक, लेकिन पता नहीं शायद परमिशन वगैरह जो है उनको नहीं मिली है, तो इसीलिए जो उनका पांडाल है ना उस पांडाल में ही उन्होंने निकाला अपना कैंडल मार्च, जिसमें लिखा गया था ग्रेड पे 3600 मोमबत्ती से। चलो जी अच्छी बात है, और अपन तो यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये हड़ताल टूटे और इनका जो है फैसला हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।